तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हम 3 वाट सोलर पैनल से और इस 12 वोल्ट बैटरी पैक से कैसे हम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बना सकते हैं। ठीक है, जो लाइट होगा कि सोलर पैनल पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तब लाइट ऑफ हो रही ऑफ रहेगी। ठीक है, और जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल पर नहीं पड़ेगी तो ऑटोमेटिक हमारा जो लाइट है वो जल जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे 12 वोल्ट का लाइट और 12 वोल्ट बैटरी पैक लिथियम बैटरी, और ये 12 वोल्ट का लाइट और ये हमारा सोलर पैनल। अब हमारे पास एक सर्किट की जरूरत है जिससे हमारा लाइट जो है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगी। तो आप ये बात देख सकते हैं, हमने एक सर्किट बनाया था IRF Z44 से। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। इस सर्किट को हमने यूज करेंगे सोलर पैनल से कट आउट होने में। ठीक है, जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल पर पड़ेगी तब हमारा बैटरी जो है चार्ज होगा, और जब नहीं पड़ेगी तो हमारा ये जो लाइट है LED लाइट ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन बहुत ही सिंपल सा है, इसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पर है, इस सर्किट को कैसे बनाया जाता है, तो आप वो वीडियो देख लेना तो बना सकते हैं उसको देख के। तो हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सोलर पैनल का नेगेटिव वायर है इसको हम इस वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ नेगेटिव वायर को सोलर पैनल का। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं व्हाइट जो वायर है ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारा जाएगा LED लाइट का नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर LED लाइट के नेगेटिव के साथ यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को हम लगाएंगे बैटरी का जो पॉजिटिव है यहाँ पर इसके साथ लगाएंगे। और सोलर पैनल का हमारे पास जो पॉजिटिव है सोलर पैनल का पॉजिटिव भी यहाँ पर जाएगा बैटरी पॉजिटिव के साथ और LED लाइट का पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल सा है। अब और एक वायर रह गया है यहाँ पर, तो ये वायर आप देख सकते हैं इसको हम बैटरी का नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्किट जो है पूरा रेडी हो गया है, बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये लाइट नहीं चल रहा है क्योंकि सोलर पैनल पर अभी सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ या फिर किसी से ढक देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उल्टा करने पर हमारा जो लाइट है ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है यहाँ पर। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जो लाइट है ऑन हो गया है सोलर पैनल पर, अभी सूरज की रोशनी नहीं पड़े। तो आप देख सकते हैं मैंने सोलर पैनल को थोड़ा सा ऊपर किया है और हमारा लाइट जो है ऑफ हो गया है। तो आप देख सकते हैं अब अंधेरा हो गया है मान लीजिए, और हमारा लाइट जो है ऑटोमेटिक ऑन हो गया है यहाँ पर। ये 12 वोल्ट से चल रहा है अभी। ठीक है, ये सर्किट भी 12 वोल्ट से काम कर रहा है यहाँ पर, 12 वोल्ट का लाइट ग्लो हो रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। तो आप देखना मैं सोलर पैनल को सूरज की रोशनी पर ले आया हूँ, तो आप देख सकते हैं लाइट ऑफ हो गया है ऑटोमेटिकली। तो बहुत ही अच्छा एक सर्किट है, देख सकते हैं ऑटोमेटिक काम करेगा, कोई LED लाइट की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वाट सोलर पैनल से अभी यह काम कर रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको दिखाएंगे यहाँ पर हम यूज करेंगे इस सोलर पैनल के बदले में 50 वाट सोलर पैनल के यूज करेंगे, और लाइट और सर्किट सेम रहेगा, तो देखेंगे वो काम करेगा या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।